हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह आप अपने सूट की नेकलाइन पे बॉर्डर डाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेकलाइन के लिए सबसे पहले मैंने ये बकरम का पीस लिया है और इसे मैंने इस तरह बीच से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस फोल्डेड साइड से नेकलाइन की मेजरमेंट देंगे। तो मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और नेक की डेप्थ मैं ले रही हूँ 6 इंच। आप अपने हिसाब से लें, जितना भी आपको नेक की डेप्थ चाहिए आप उतना ले सकते हैं। यहाँ नीचे से भी मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन बना दूंगी। तो ये हमारे पास ये ब्लॉक तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। अब इस नेकलाइन से मैं 1.2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करूँगी। और इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को इस तरह हम मिला देंगे। यह हमारा बॉर्डर बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैंने बाहर वाले साइड को काटा है और अब हम ये अंदर वाले पार्ट को काटेंगे। ये देखिए हमारा बॉर्डर तैयार है बकरम में। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। तो ये मेरे पास फैब्रिक का पीस है, तो फैब्रिक का जो उल्टा साइड है यानी कि रॉन्ग साइड, उसके ऊपर हम अपने बकरम को रखेंगे इस तरह और लगाएंगे। तो इसे अच्छे से इस तरह सेट कर लें। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो करीब हमें आधा से 1 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा लें और बाकी का कपड़ा काट दें। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह फोल्ड करते जाएंगे बकरम के ऊपर और हम सिलाई देंगे। तो बस इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाएँ अच्छे से और सिलाई देते जाएँ। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। और सीधी तरफ से ये कुछ इस तरह लग रहा है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। और इसको बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर करेंगे। ऊपर से हमने एक छोटा सा नॉच दे दिया है और नीचे की तरफ से चौक से निशान लगा दिया है। सीधी तरफ उल्टी तरफ दोनों दे दिया है हमने निशान। अब हम बॉर्डर को कुर्ती पे लगाएंगे। तो ये कुर्ती के हम उल्टी साइड पे बॉर्डर लगाएंगे। ये देखिए ये कुर्ती का रॉन्ग साइड है, तो इसमें भी हमने सबसे पहले सेंटर पे निशान लगा लिया है इस तरह। और अब इन दोनों के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए जोड़ेंगे। इस तरह दोनों के सेंटर पार्ट को मिलाएँ, अच्छे से इसे सेट करें और नीचे से भी मेक श्योर करें कि दोनों पीस के सेंटर पार्ट आपस में मिले हों। और अब हम सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच से इसे पिन कर दिया है सो दैट कपड़ा हिले नहीं। और ये देखिए अब मैं सिलाई दे रही हूँ। तो सिलाई हमें कपड़े वाले भाग में करने हैं, बकरम पे नहीं करना है। ध्यान दें, आपकी सिलाई बकरम पे नहीं आनी चाहिए। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, ये देखिए। अब हम ये अंदर के एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेंगे। तो 1/4 इंच का कपड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ले नेकलाइन की। अब पूरे गले में छोटे छोटे से नॉच दे देंगे। अब बॉर्डर को पलट के सीधी तरफ ले जाएंगे इस तरह। तो ये देखिए बॉर्डर को हमने पलट के कुर्ती के सीधी तरफ ले आए हैं और अब हम यहाँ साइड साइड में सिलाई देंगे। तो इसे बड़े ध्यान से करें। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं इसे पहले और फिर स्टिच दें, तो काम काफ़ी इजी हो जाएगा और क्लीन भी आएगा। तो सिलाई बिल्कुल साइड साइड में दें नेकलाइन के, बिल्कुल बाहर की तरफ सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइड में सिलाई आए।
अब ये एक तरफ सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी तरफ सिलाई देंगे बॉर्डर के। तो ये देखिए मैंने सिलाई शुरू कर दी है, और इस तरफ भी ध्यान दें जो आपकी सिलाई है बिल्कुल साइड्स में होनी चाहिए, कॉर्नर्स पे, कुर्ती के ऊपर ना आए आपकी सिलाई और ना बहुत ज़्यादा बॉर्डर की तरफ जाए। ये देखिए बिल्कुल साइड साइड पे हमने सिलाई दी है और हमारा बॉर्डर एकदम सुंदर बन के आया है। यहाँ हमारा बॉर्डर तैयार है और ये जो हमने कच्ची सिलाई दी थी अब इसे आप आराम से निकाल सकते हैं खींच के, और आपका बॉर्डर बनके तैयार है नेकलाइन पे। तो आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं सिलाई से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो डालती रहती हूँ। चलिए आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।